आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर इस समय हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अशोक तंवर जी, 29 तारीख को रैली होने जा रही है अरविंद केजरीवाल की, कैसे देखा जाए इस रैली को? 29 की रैली ऐतिहासिक होगी और लंबे समय से हरियाणा की जनता ये इंतजार कर रही थी कि कैसे इस हरियाणा की धरती से भ्रष्टाचार खत्म हो, जो एक लगातार यहाँ के लोगों के बीच में कभी जातिवाद का जहर, कभी कोई दूसरे तरीके से बांटने का जो था, उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, जस्टिस और गवर्नेंस, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे और आने वाले समय में ये देश का मॉडल बनेगा जहां अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, सस्ती बिजली पानी मिले और हर व्यक्ति को रोजगार मिले। कल एक पंजाब के अंदर बड़ा फैसला लिया जाता है कि कैबिनेट मंत्री को निष्कासित कर दिया जाता है, बाद में जेल भी उनको हो जाती है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, हरियाणा की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं, क्योंकि कई नेता ऐसे भी है जो भ्रष्टाचार में पहले भी लिप्त पाए गए हैं। हरियाणा के तो 8 साल से तो बीजेपी लूट रही है, उससे पहले दूसरों ने लूटा, उस लूट का मुद्दा बना करके ये सत्ता में आई, लेकिन आज भी 8 साल हो गए, कोई जेल तो गया नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा, वहाँ तो 1% की चर्चा थी जिसमें मंत्री को हटा दिया और जेल में डाल दिया, यहाँ तो 40-40% लोग खा रहे हैं। हर विधानसभा, हर नगर निकाय, किस कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहाँ 200, 500, 400 करोड़ रुपए का नहीं होगा। लोग धरने पे बैठे, हमारे भिवानी के साथी आए हुए हैं ये धरने पे बैठे, सिरसा के साथी धरने पे बैठे, फरीदाबाद का उदाहरण आपके सामने, सबके सामने है। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा नहीं। हरियाणा में निकाय चुनाव की जो है घोषणा हो गई है, आम आदमी पार्टी भी अब 46 के 46 जो निकाय हैं उस पर कूदने जा रही है, तो कैसे इसको देखा जाए, कैसे उम्मीदवार जो है इसके अंदर सेलेक्ट होंगे और उनकी टिकट किस हिसाब से दी होगी? टिकट तो एक प्रक्रिया होती है पार्टी की, अच्छे लोगों को उसमें जो मेहनती हैं, निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं और जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उन साथियों को और जो लड़ने का जज्बा रखते हैं उनको पार्टी मौका देगी। उसका अंदरूनी हम काम करने में लगे हुए हैं और जहाँ तक सवाल है कि क्या रहेगा, तो मैं यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी की सबसे मजबूत पकड़ आने वाले समय में इस हरियाणा में इन चुनाव के माध्यम से देखने को मिलेगी और जो विकल्प हरियाणा के लोग चाहते हैं वो विकल्प का रास्ता भी यहीं से खुलेगा। 29 तारीख को खाली आपकी रैली नहीं है, रानिया में जो है बीजेपी की रैली है, फतेहाबाद में रैली है, टोहाना में रैली है और पार्टियों की, तो क्या संख्या जुट पाएगी? उन्होंने तो डर के असर से जो है ये रैलियां रखी हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की जो रैली होनी है उसमें कैसे उसको किया जाए, रोका जाए, पर यहाँ तो जितने ये सब लोग मिल करके जितने लोग इनके आएंगे उससे 3 से 5 गुना आम आदमी की रैली में आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को सुनने आएंगे, क्योंकि लोगों ने संकल्प ले लिया कि अब हरियाणा बदलना है, अब हरियाणा में केजरीवाल जी को लेकर के आना है, तो हरियाणा भी बदलेगा, केजरीवाल जी भी आएंगे और किसान मजदूर, हमारे कर्मचारियों का, छोटे दुकानदारों का इस हरियाणा के अंदर राज होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ अशोक तंवर थे जिन्होंने 29 तारीख की रैली के साथ साथ हमारे साथ निकाय चुनावों पर भी बातचीत की। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रोक्स चौधरी, एमएचएन प्राइम।